टाटा समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया कि 84 विधानसभा में 14 ऐसी ग्राम पंचायत है वहां पर उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालय नहीं है, तो क्या मंत्री जी से मेरा सवाल है कि नेक्स्ट जो सत्र जुलाई में स्टार्ट होगा उससे पहले इन सभी 14 ग्राम पंचायतों में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हो जाएंगे या नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल ये है कि 84 विधानसभा में डूंगरपुर मतलब राजस्थान का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला आता है और इसमें विधानसभा 84 सबसे अधिक लिंगानुपात वाली विधानसभा है, तो इसमें मैं मंत्री जी से चाहूँगा कि इस विधानसभा में बालिका विद्यालय खोलने के लिए सरकार की क्या मंशा है, क्योंकि पूरी विधानसभा में 23,713 बालिकाएं वर्तमान में अध्ययनरत है। तो माननीय मंत्री जी बताए कि बालिका विद्यालय कब तक खोले जाएंगे? इनका पूरक प्रश्न एक है, उसमें 14 स्कूलें ऐसी है जिसमें 13 तो नई पंचायतें हैं, एक पुरानी पंचायत है। सेकेंडरी स्कूल खोलने के लिए 5 किलोमीटर की दूरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलने के लिए 7 किलोमीटर की दूरी आवश्यक है, तो जो मानदंड के अनुसार स्कूलें आएंगी उनमें सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोले जाएंगे। जहाँ तक इन्होंने 14 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के बारे में बात की है, जहाँ लिंगानुपात ज़्यादा है वहाँ पर सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल खोल दिए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री बजट घोषणा में कहा गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाएंगे, तो मंत्री जी जवाब में ये बताए कि जुलाई से पहले इन ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत मुख्यालय स्तर पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलेंगे या नहीं खोलेंगे। दूसरा, ये कई ग्राम पंचायत ऐसी हैं कि ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सिर्फ प्राथमिक विद्यालय हैं, जैसे कि सुजा तलाई, तो क्या उन प्राथमिक विद्यालयों को सीधा सीनियर में क्रमोन्नत कर दिया जाएगा या उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत कर दिया जाएगा? अध्यक्ष महोदय, जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनको मानदंडानुसार पहले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा, और जैसे जौंतरी ब्लॉक जहाँ वासुआ में 6 किलोमीटर दूरी पर एक विद्यालय है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विकास नगर, इसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्रमोन्नत कर दिया जाएगा। अगला, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सा सवाल है कि मंत्री जी मुझे आश्वस्त करें कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय स्तर पर उच्च माध्यमिक विद्यालय 84 विधानसभा में खोल दिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया जैसा हमारे पास इस बार 200 प्राइमरी और कुछ मिडिल स्कूल मिले हैं, जो भी क्राइटेरिया में आएंगे उनको मैं आदिवासी इलाकों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता दूंगा।